दिल दहलाने वाला वीडियो जो दिल्ली से सामने आया है, जिसे देखते ही कलेजा कांप उठेगा। दिल्ली के शाबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साहिल नाम के आरोपी ने बिना रुके लड़की को चाकू से गोद दिया। लड़की की गर्दन और सर पर चाकू से करीब 20 से ज्यादा बार हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह लड़की की हत्या की जा रही थी, उसके आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन सभी तमाशबीन बने हुए थे। वो लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा, बड़े पत्थर से उसका सर फोड़ने की कोशिश करता रहा, ये तसल्ली करता रहा कि वो मर चुकी है। लेकिन वहां तमाशबीन खड़े रहे और किसी ने उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की, उस नाबालिग की मदद करने की कोशिश नहीं की। वारदात के दौरान जो लोग मौजूद थे वो सब चिन्हित हैं, लेकिन ये वीडियो दिल दहलाने वाला है, कई सारे सवाल खड़े करता है समाज के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए और ऐसे हैवानों दरिंदों को पनाह देने वालों के लिए भी। दीपक बिष्ट के पास चलते हैं जो मौका वारदात पर मौजूद हैं। दीपक, बताइए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? देखिए आनंद, मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां पर 16 साल की नाबालिग को चाकुओं से गोदा था और जिस हैवान ने गोदा था वो इसी जगह पर आया था। ये वही स्पॉट है, इसी जगह पर लड़की को गिराकर उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया था। उसके बाद उसके बाल खींचे गए थे। जब वो पूरी तरह से अधमरी हो गई थी तो उसके बाद आरोपी युवक इस तरफ को भागा और उसके बाद फिर वापस आकर उसने इसी जगह पर यहाँ पर जो बड़ा पत्थर उसके हाथ में था उससे कई बार वार किए थे। और ये पूरी घटनाक्रम जो जिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आई, वो कैमरा की तस्वीर आप देखिए, ये पूरा इलाका जिस जगह पर है, यहाँ पर शाबाद डेयरी इलाका है और ये बी ब्लॉक शाबाद डेयरी का पड़ता है। और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस वक्त यहाँ पर कई लोग घूम रहे थे, जिस तरह से इस वक्त मैं मेरी भीड़ है। आपका घर यहीं पर क्या हुआ था? मैं सर, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, पर मैंने अभी न्यूज में जो मैंने देखा तो हाँ। मैं तब यहाँ पर आया तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जिन भी लोगों ने अगर देखा है तो वो शायद गवाही ना दे, क्योंकि मैं क्यों नहीं देंगे गवाही। एक लड़की को यहाँ पर चाकू मार देते हैं, उसका बचाने भी कोई नहीं आया, आप गवाही भी नहीं देंगे? ऐसी जी, क्योंकि हमारे जो सरकारी तंत्र है, पुलिस की जो हमने देखी है व्यवस्था, वो इस तरह की है कि यहाँ पे जो गवाही देगा उसको ही धीरे धीरे जो है एक उसकी गवाही को दबा दिया जाएगा। और फिर मेनली ये होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें, मैं मानता हूँ कि एक जिहाद जो है शायद वो यहाँ पर अब असर करने लगा है। यहाँ पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद कई लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज में दिखाई दे रहे हैं और आते जाते दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं बचाया उन लोगों ने? वो बचा सकते थे जब उसे चाकू मार रहा था, पत्थर मार रहा था, क्यों नहीं बचाया लोगों ने? जी, मैं उसकी वजह यही मानता हूं कि सबको ये पता है कि अगर वो गवाही देते हैं या कुछ इस तरह का और कार्य उसके सपोर्ट में करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी उस तरह के सरकारी तंत्र में घसीटा जाएगा जिससे वो बचने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अलग अलग सोच है आनंद, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे थे। आप यहीं रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं आप? पीछे गली में। ये कितने बजे हुआ था पत्थर चल रहा था? वही 9 के बीच में होता, 8 के। हाँ, जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा आपने? जी मैं पता लगा, मैं 9 बजे पता लगा, 9:30 बजे तो मैं आया था, भीड़ लगी हुई थी यहाँ, वहाँ तो मतलब लड़की खत्म थी। अच्छा, लड़की यहीं पर थी उस वक्त? हाँ, यहीं लंबे लंबे लगी हुई थी ऐसे। अच्छा, तो मतलब वही देखा, फिर पुलिस आए थे, भागने लगे सबको। क्या उसके बाद क्या पता लगा, किसने मारा उसको, आपको पता लगा? ये नहीं पता लगा सर। हाँ, ये नहीं पता, मुझको नहीं पता इतनी, मतलब कब हुआ ये वारदात, कब नहीं हुआ। ये जब मैं देखा भीड़ लगी थी, जब आया था सब मुंबई में आया था, जब देखा भीड़ लगी थी बस यहाँ पर। आप जब आए थे यहाँ पर, लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई? हाँ, लंबा लंबे ऐसी पड़ी हुई थी लड़की। अच्छा, हाँ, उस पर चाकुओं के निशान थे, घाव घायल पड़ी थी? ये नहीं देख पाया था, निशान सामने देखा था। हाँ, खाली इतना देखा था लड़की लंबी लंबी पड़ी हुई थी बस। क्या पुलिस ने उस वक्त आसपास लोगों से पूछताछ करी? कुछ पूछताछ करी, कुछ कोई किसी कुछ बताया नहीं, बाकी सब पुलिस भगा दी, सबको तो भगा दी थी, खाली कोई जगह यहाँ से बस, और बाकी कुछ नहीं हुआ मुझको। आरोपी को जानते हो आप? नहीं, मैं नहीं जानता सर इतना। लड़की को जानते थे जिसकी हत्या? नहीं जानता मैं खाली काम धंधा वाला आदमी हूँ बस मैं। वो तो कल मैं छुट्टी में था, कल संडे था, वो रुक गया था मैं। देखिए ये चश्मदीद हैं जिनका कहना था कि यहाँ पर लड़की का शव पड़ा था, पुलिस पहुंची थी, उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने आसपास लोगों को भगाया ताकि जल्द से जल्द अपनी कागजी कार्रवाई कर सके। और भी लोग यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग और यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा पूछना है हमें, क्योंकि देखिए यहाँ के कई लोग हैं जो रात को पूरा घटनाक्रम होता है। कितने बजे का था ये? सर मैं काम पर से आया हूँ 10 बजे करीब, और उसमें एक मेरा बेटा है, उसको वो ITI करता है। हाँ, वो यहाँ खड़ा था, उसको भी पुलिस उठा के ले गई है। क्या नाम है उसका? आजाद नाम है सर। वो उसको क्यों लेकर गई है? वो यहाँ खड़े थे, वो जब मारपीट हुई होगी, मारे होंगे तो भागा, तो इसलिए जो है उसको भी उठा के ले गए। 5 बजे सुबह ले गए सर उठा के बच्चे को मारे। आपकी गली में और किसको उसको लेकर गए? एक लड़के को ले गए, वो बगल वाले पड़ोसी को ले गए। क्या नाम है उसका? प्रदीप नाम है सर। आपका बेटा कितने साल का है सर? होगा 21-21 साल का है सर।
आईटीआई कर रहा है सर। आईटीआई कर रहा है जी। क्यों लेकर गए? क्या उस वो वहाँ पर हमला करने वाले के साथ जो आरोपी साहिल है उसका दोस्त है? नहीं, उसका दोस्त तो कुछ नहीं, वो उसकी कल छुट्टी थी इसलिए बाहर निकला होगा, खड़ा होगा। मैं तो सर 8 बजे जाता हूँ, 10 बजे ड्यूटी से। तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कई लोग हम देख रहे हैं, जो लोग बचाने नहीं आए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, क्या उनमें आपका बेटा शामिल था? सर ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फुटेज कैमरा हमने देखा नहीं। मैं तो 8 करीब आया हूँ, मैं 10 बजे रात को मैं आता हूँ काम करके सर। आपके बेटे का नाम आजाद है जी? हाँ, वो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे लेके गए तो पुलिस ने क्या कहा? क्यों लेके गए आजाद को? जब पुलिस को लेके गए वो कह रहे हैं सुबह 5 बजे लेके गए आजाद को। लेके गए आपके बेटे को? सर वो लेके गई, कह रहे हैं कि ये कैमरे में ही आया है, सीसीटीवी कैमरा में। हाँ जी, कैमरे में आया। यानी कि यानी दीपक, ये साफ अब सिद्ध हो रहा है कि पुलिस ने रात भर में सीसीटीवी को खंगाला तो है ही, लेकिन कुछ लोगों को चिन्हित किया है जो इस सीसीटीवी कैमरा में चलते फिरते दिख रहे हैं। क्या वो लड़का उनमें से एक था जिसने उसको रोकने की कोशिश की, या वो लड़का था या जो खड़े होकर देखता रहा चश्मा, क्योंकि तमाशा देखता रहा। कई सारे लड़के हैं जो 20-21 साल के दिख रहे हैं। ये देखिए 4-5 लड़के आपको देखिए यहाँ देख रहे हैं, सो जो 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 यंग लड़के दिख रहे हैं, कुछ औरतें कुछ महिलाएं दिख रही हैं, कुछ मिडिल एज दिख रहे हैं, कुछ वरिष्ठ दिख रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं इसमें। तो उनमें से कुछ को लेके गई है दीपक, लेकिन वो जो जगह है जहां ये घटना घटी, वहां आप कह रहे हैं कि लोगों का आना जाना है, आसपास मकान भी हैं, तो वहां जो रहने वाले हैं उन्होंने इस लड़की की चीख नहीं सुनी? ये लड़का मेरा। आपका बेटा जब कैमरे में आया है तो आपको लगता है कि पुलिस ने अगर उसने मारा नहीं है तो वो बचाने वालों में भी शामिल नहीं हुआ? सर मैं नहीं कह सकता, मैं तो कह रहा हूँ मैं 10 बजे रात को ड्यूटी करके यहाँ तक आया हूँ, तो पुलिस वालों ने नहीं यहाँ से बोला कि उधर से घूम के जाओ। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं इधर से वहां तक आया तो पुलिस वालों ने कहा कि जी आनंद, दीपक यहां से फोर्स लगी है, आप उधर से घूम के जाओ। दीपक देखिए, इस यानी कि सीसीटीवी को खंगाला गया है, यानी पुलिस ने भी उन लोगों को चिन्हित किया है, शिनाख्त किए कुछ लोगों की जो वो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपसे चाहूंगा कि वापस उस क्राइम स्पॉट पर जाइए और देखिए कि आसपास वहां घर है कि नहीं। वो लड़की चिल्ला रही थी, मदद की गुहार कर रही थी, बिल्कुल आनंद, तो आसपास जो रहने वाले हैं उन्होंने क्यों नहीं मदद की? वो इस लड़के को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये शहबाज कहां रहता है? आनंद बिल्कुल जैसा हमने सवाल शुरू में ही उठाया था, देखिए आनंद, जो हमने सवाल शुरू में उठाया था कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर तमाशबीन खड़े थे, और यही वो स्पॉट था, यहां पर लोग हमें खड़े हुए दिखाई दिए थे, और इसी वजह से उन लोगों ने यहां पर बचाने की कोशिश नहीं करी। अगर वो यहां से निकल रहे बाहर को दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं कर रही, चाहते तो उसे रोक सकते थे, पकड़ सकते थे। ये घर एक यहां पर बंद पड़ा है जी, यही वो आरोपी है। इसके चेहरे को दीपक जरा आप रुकिए मेरे साथ, मैं बस इन तस्वीरों को हमने आइसोलेट किया है और साहिल के चेहरे को साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल का अभी तक कोई साफ चेहरा नहीं दिखा, लेकिन इसके बाद एक और फ्रेम है उसको भी हम आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, जहां वो लाइट पर आता है। इसके बाद वाला अगला फ्रेम है जहां साहिल की तस्वीर, साहिल का चेहरा दिखता है, ब्लू कलर की टी शर्ट में, ब्लैक कलर की ट्रैक्स पहने हुए, पतला दुबला सा ये लड़का है, 20-22 साल का बताया जा रहा है दीपक। लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां आसपास घर है कि नहीं, खिड़कियां हैं कि नहीं? जिस कोने में इस लड़की को, इस नाबालिग को इतनी निर्ममता से मारा गया, उसकी चीखें क्या किसी को सुनाई नहीं दी? क्या हो गई है जी? आपके ठीक घर के बाहर ही हुआ है ये सारा कुछ, क्योंकि दरवाजा खुलती है आपके वहाँ पर स्पॉट पर लड़की पड़ी थी जी। तो आप लोग घर में थे उस वक्त? नहीं, मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं 6 बजे चली गई थी यहाँ से। हाँ। मेरे मम्मी भाई सब आए थे घर पे, वो अंदर ही थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना, टीवी भी चला रखी थी उनने, तो जब यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आई तब वो बाहर आए, कैमरे में दिख भी रहा है, जब वो चला गया तब उसके पीछे से देखा उन्होंने, बाहर गए, पर वो जो होना था वो तो हो चुका था। अब हम क्या बताएं, लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्या घर वालों ने आपके बताया कि उसकी जान बचाने के लिए कोई भागा आ सकते थे, दरवाजा खुल सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया घर वालों के, मुझे भी घर वाले मिले ही नहीं है, मैं आई वो चले गए। हाँ हाँ, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में कई लोग आ जा रहे थे, और आपके घर के ठीक सामने उस लड़की का शव पड़ा हुआ था, और वो उससे पहले काफी बचाने की उसने गुहार लगाई थी, लेकिन कोई यहाँ पर तैयार नहीं हुआ था? नहीं, बचाना तो चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, सब डरते हैं। किससे डरते हैं? डरते हैं सर, सब डरते हैं, कोई आप ही नहीं, सब आम आदमी सब डरते हैं। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि सब बहुत पक्के दिल के होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सामने से जा रहे हैं,
उन्हें किसी के दूसरे में कुछ नहीं करना होता। ये दिल्ली का काम है कि कोई किसी में मदद नहीं करता, सब देखते हैं। मतलब आपका कहना है कि दिल्ली वाले बेदर्द हैं? बेदर्द हैं, कोई नहीं किसी की मदद करता। मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, मैं यहाँ अभी एक ही साल हुआ है, पर मैंने एक साल में देख लिया है कि दिल्ली में कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ जी, आपके घर के ठीक बाहर ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ है। 16 साल की एक नाबालिग लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाने की गुहार लगा रही है, फिर भी आपके परिवार का कोई भी आदमी नहीं आया बाहर सुनने के। तो मेरे घर वाले थे नहीं ना, मैं बता रही हूँ कि वो लोग आए, अब वो दिन भर काम करके आए थे हमारे यहाँ, सब लोग अंदर थे, दरवाजा बंद था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी? पूछताछ करी होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो थी नहीं ना घर पे। मैंने जब मॉर्निंग में आए हैं तो पुलिस आई थी? आज तो नहीं आई, अभी नहीं आई है ना। अपने परिवार के किसी की, आपके किसी मेंबर से बात करी पुलिस ने? अभी नहीं, मैं मिली नहीं ना घर वालों से अभी तक। दीपक तो लेकिन इस महिला ने एक बहुत 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 सीधी बात, लेकिन बहुत दिल्ली को सोचने वाली बात कह दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सब देखते रहते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता, कोई मदद नहीं करता। तो क्या दिल्ली ऐसी ही है? ये प्रश्न सबके लिए है। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस, उन्होंने आनंद तिवारी से बात की, सुनिए। मैं बात करने के लिए स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक हैं। सर, ये किस तरह से पूरी घटना हुई है, पूरा सीक्वेंस जानना चाहेंगे, और आपने देखा कितना ब्रूटली सर ये सीसीटीवी है? यह शाहबाद डेयरी के नृशंस हत्या का मामला कल शाम में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के संज्ञान में आया, और इमीडिएटली ही सीसीटीवी के माध्यम से और लोकल इंक्वायरी के माध्यम से इस बात का पता लगा कि जिस बच्ची की नृशंस हत्या हुई है वो एक मारने वाला 20 साल का युवक है जो बगल में ही रहता है। पहले थोड़ी जानकारी थी और शायद बात करना बंद कर दिया, जो इस तरह की बात होती है, और उसके बाद उसने इस चीज को अंजाम दिया है। जब वो लौट रही थी, कहीं गई थी, अपने किसी दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन को अटेंड करना था, उस लिहाज से गई थी और वहां से लौट रही थी। इमीडिएटली कई टीम बना दी गई है डिस्ट्रिक्ट की, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, और बहुत जल्दी ही उसको हम पकड़ेंगे ही नहीं, साथ में इस तरह के जो साक्ष्य जो हैं वो इफेक्टिव साक्ष्य इकट्ठे करके इस बात को इंश्योर करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा इस अभियुक्त को मिले, क्योंकि जिस तरह के एक दुर्दांत तरीके से जो नृशंस हत्या जिस तरह से की है उसने, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम और वो एफर्ट पुलिस की तरफ से होगा। जी हाँ, दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग की हत्या के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। जिस तरह से लड़की की हत्या की गई उसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उन लोगों पर भी है जो हत्या वाली जगह खड़े रहे, मूक तमाशबीन बने रहे, देखते रहे। जिस तरह से आरोपी ने बेखौफ होकर हत्या के सवाल उठ रहे हैं, हत्या की है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में नाबालिग की हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या आप इस बात को मान सकते हैं जब वो महिला वहाँ जिसके घर के बाहर ये हत्या हुई है वो कहती है दिल्ली में कोई किसी का नहीं देखता, बस अपना खुद देखना पड़ता है, बाकी लोग देखते हैं आगे चले जाते हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए सामने नहीं आता। दिल्ली में मैं एक साल से रह रही हूँ और मैंने देख लिया, जान लिया है, समझ लिया है। दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक बिष्ट, जो हत्या वाली जगह है उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, कई लोग थे जो चश्मदीद, जिनमें से कुछ को पुलिस उठाकर ले गई है दीपक, लेकिन क्या आपका मन नहीं हिल गया? आपको नहीं लगता क्या दिल्ली ऐसी है? क्या यह समाज ऐसा है जैसे उस महिला ने बेखौफ दो टूक आपको सुना दी, उसने कह दिया साफ कि देखिए भाई यहां तो सब डरते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, और जो है देखते रहेंगे, आगे निकल जाएंगे। क्या दिल्ली ऐसी है दीपक? क्या आसपास के लोग ऐसे हैं? और दूसरा व्यक्ति वहां कहता है यहां सब डर रहे हैं, यहां जो हो रहा है सबको दिख रहा है, कोई मदद करेगा तो पुलिस उसी को उठा ले जाती है। ये बिल्कुल आनंद, बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये जो घर है जहां पर लोकेशन थी उसके आसपास इतने लोग खड़े हैं। हम पूछते हैं यहां पर क्या, आप ये बताइए कितने बजे का ये घटना घटनाक्रम? मैं यहां पर था ही नहीं। देखिए नंबर एक, ये यहां पर नहीं थे। आप रहते हैं यहां पर? नहीं। आप रहते हैं यहां पर? आप रहते हैं भाई साहब यहां पर? आप ही नहीं रहते? नहीं सर। देखिए ये वो लोग हैं, और इसी तरीके से तमाशबीन लोग रात को यहां पर दिख रहे थे, जो 12 बजे
तक यहाँ पर थे, उसके बाद गायब हो गए, पुलिस आई सब इधर उधर हो गए, अब कोई जवान यहाँ पर खोलने वाला नहीं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, ये वही लोग हैं जो बचा सकते थे उस मासूम को, उस नाबालिग को बचा सकते थे, लेकिन किसी ने यहाँ पर हिम्मत नहीं करी। और आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से गायब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी का दोस्त है, किसी को जानता है, उससे दोस्ती है, उससे दोस्ती से ज्यादा कुछ करीबी भी है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की हैवानियत की हद की वो तसल्ली करके जाता है कि वो मर चुकी है। डॉक्टर जयंती दत्ता क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ। डॉक्टर जयंती दत्ता नमस्ते, जरा बताइए कि 20-21 साल का एक युवक जो एसी फ्रिज रिपेयर करता है, एक नाबालिग लड़की से उसकी दोस्ती है, इस निर्ममता से हत्या कर बेखौफ होकर कैसे वहां से निकल जाता है, ये माइंडसेट कैसा है? देखिए ये जो है ना, अक्सर हम लास्ट कुछ महीनों से देख रहे हैं इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कानून का जो हाथ है वो उन तक नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा वही तो पता नहीं कितने मुद्दतों में पहुंचेगा। सबसे हैरानी वाली बात है जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं न्यूज में, कि आसपास से गुजरते हुए लोग जो हैं वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कानून के ऊपर इंसान का भरोसा दिल्ली में जो है कम से कम बिल्कुल उठ गया है। सबको ये लगता है कि अगर मैं इसमें बचाने के लिए गया और मेरे ऊपर बात आ गई तो मेरा परिवार जो है वो भी लपेटे में आ जाएगा। लेकिन किसी दोस्त को इस हैवानियत से मारने वाली मानसिकता क्या है कि 20 बार चाकू घोप दिया और 6 बार पत्थर से सर फोड़ दिया और फिर तसल्ली कर दी कि वो मर गई और उसके बाद 2 लात मार के फिर वो चल के गया है वहां से, ये क्या माइंडसेट है? ये ब्रूटैलिटी जो है ये अचानक से सामने नहीं आती है, ये पनपने में थोड़ी देर लगती है। इस तरह की हैवानियत वो प्रैक्टिस करता रहा होगा, इस हद तक नहीं, लेकिन अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री खंगालोगे तो आपको मिलेगा कि ये लड़का स्वभाव से ही थोड़ा वायलेंट किस्म का रहा होगा, इसने मार पिटाई बहुत करी होगी और इसको डर नहीं लगता किसी को मारने से, इसके दिल में थोड़ी सी भी कुछ रहम की जगह नहीं होती है, क्योंकि ये इनका जो एंगर मटेरियल है वो इतना हावी हो जाता है, इमोशन जो है इतना एग्रेसिव और इतना वायलेंट होता है, उसको खत्म करने के लिए ही उनका शॉर्ट टर्म जो ध्येय होता है वो होता है इसको खत्म करूं, और खत्म करके भी तसल्ली नहीं होती है। आप देखिए कितनी बेरहमी से उसके शक्ल को उसने कुचला। तो ये चीज जो है, ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी जो है, ये बचपन से पनपती है और इसको अनदेखा कर जाते हैं फैमिली वाले, इर्द गिर्द के लोग रहने वाले वो सह लेते हैं इसको, जिससे इनको एनकरेजमेंट मिल जाती है। दस मिनट के अंदर एक नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, हैवानियत की हद है। अब ये और इसका पिता फरार है जयंती दत्ता जी, और अब कहा जा रहा है कि कानून की प्रक्रिया के दौरान, लंबे चरण के दौरान इसको जस्टिस, इसको सबक सिखाया जाएगा। किस तरीके का जस्टिस होगा उस परिवार को जिसने अपनी बच्ची को खोया है? अब क्या दिन रात इसे झेलना पड़ेगा? अब ये साबित करना पड़ेगा कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है वो सत्य है कि तथ्य है कि नहीं है? ये किस तरीके का सिस्टम है और ये किस तरीके का समाज है जो ओके है कि उनके सामने किसी की निर्मम हत्या हो रही है और वो पैदल वहां से चलकर जा रहा है, ये देख करके कैसे हत्या हो रही है?